ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द टॉप 5 गोदी ऑफ दिस वीक। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दोज हु आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री, बट गोदी मीडिया इज नॉट शोइंग यू एट ऑल। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, आई एम अ राम भक्त, प्रभु श्री राम हमारे हृदय में बसते हैं। पर अब जो हमारा मीडिया कर रहा है ना, वो बहुत ही डिसगस्टिंग है, बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये कंपैरिजन करना, नीचा दिखाना किसी को, बहुत गलत। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। इफ यू लाइक इन द सीरीज, प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो करना, इफ यू रिमेंबर, आई वाज क्रिटिसाइजिंग दिस दैट व्हाई दीस पीपल आर कंपेयरिंग ताजमहल एंड प्रभु श्री राम का मंदिर। व्हाई देयर इज अ नीड, यू नो हु स्टार्टेड ऑल दिस? ये कौवा। इस कौवे ने ये ट्वीट लिखा तब जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तुझे उस वक्त भगवान के बारे में सोचना चाहिए, ये ताजमहल के बारे में सोच रहा था। क्यों बे कौवे? माफी मांगता हूं मैं। अगर आप सच्चे राम भक्त हो तो इस तरह का कुछ भी नहीं करोगे। किसी को आप शब्द नहीं बोलोगे, किसी को कभी नीचा नहीं दिखाओगे। बट न्यूज चैनल्स आर डूइंग इट एंड दैट इज सो पैथेटिक। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ कंपैरिजन? मक्का से ज्यादा अयोध्या में भीड़, 5 लाख श्रद्धालु देख हिल गए मुस्लिम देश। क्यों कंपैरिजन कर रहे हो यार? क्यों लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मिल जाएगा इससे? सीरियसली गाइस, दिस इज सो रॉन्ग। ये इस तरह की न्यूज चला के लोगों को भड़का रहे हैं। पर राष्ट्रीय एकता नाम की एक चीज होती थी कि सब मिलजुल के रहें, अच्छे से रहें। क्या चल रहा है, किस तरफ जा रहा है मीडिया? मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। पिछली बार एक फर्जी पत्रकार का गाना सुनाया था आपको, आप लोगों को बहुत पसंद आया था। उसके आगे की कुछ लाइनें सुन लो, शायद वो लोग भी सुन ले और समझ में आ जाए कि बंद करो यार, क्या कर रहे हो ये। मैं पब्लिक को उकसाता हूँ, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। दलाल। सोशल मीडिया इज गोइंग इनसेन गाइस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य, दे डिडंट गो देयर, ओके? दे गेव द रीजंस कि सही काम विधान से थोड़ी जल्दी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी उन्होंने उनका रीजन दिया उन्होंने बताया। उसके बाद सोशल मीडिया पे इनको एंटी हिंदू बोलना शुरू कर दिया। कैन यू बिलीव दैट? हाउ कैन दे बिकम एंटी हिंदूज? आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और हिंदू धर्म के संरक्षण और उसके पोषण में उनका कितना बड़ा योगदान था ये सब जानते हैं। फिर भी सोशल मीडिया पे इनको एंटी हिंदू बोल दिया। दैट्स नॉट इट, देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया एंड पीपल आर ब्लाइंडली बिलीविंग देम। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम हियर, बट व्हाट काइंड ऑफ अ लाइज पीपल आर स्प्रेडिंग। आलू डालो सोना निकालो, सोशल मीडिया पे ये मिस्टर राहुल गांधी के नाम से इतना वायरल है कि लोगों को लगता है इन्होंने ही बोला था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पर ये बात एक्चुअली मोदी जी ने बोली थी। वो ये बोल रहे थे कि मोदी जी ने बोली है, मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। एक और लाइन बोल दी, स्टोव में कोयला, सब ट्रोल करने लग गए। सुबह उठते हो चाय गरम करने के लिए, स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। पर अरे सच में स्टोव में कभी कभी कोयला लग जाता है यार, लोग मतलब एकदम खत्म ही कर दो विपक्ष को, ऐसा चल रहा है। दैट इज अ पोस्ट बाय बीजेपी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। जानते हुए भी कि ये बात मोदी जी ने कही, उन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लगा के, और मीडिया तो बात ही नहीं करना चाहता विपक्ष के बारे में। विपक्ष तो देशद्रोही हो गया उनके लिए। आई एम ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दे आर किलिंग द अपोजिशन। हद देखो आप, कैसी न्यूज फैल रही है और क्या 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 बातें हो रही है। किसी ने बोला कि ये जो राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसमें वो बॉडी डबल यूज कर रहे हैं। क्यों बॉडी डबल यूज किया था बास में? ये बात सीएम ऑफ असम उन्होंने बोल दी भाई साहब ने। व्हाई ही सेड दिस? बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने। किसी न्यूज़पेपर या न्यूज मैगजीन के सोशल मीडिया हैंडल ने ये पब्लिश कर दिया। क्यों बॉडी डबल यूज किया था बास में? लीव अबाउट अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी को तो छोड़ ही दो, देश की जनता की फिक्र कर लो यार। ये क्यों देखो, ये सारे बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट पे कौन बात करेगा? इन लोगों को जॉब चाहिए और ये इसराइल में भी जॉब करने को तैयार है। बोल रहे हैं कि भाई सेफ जोन में जाना पड़ेगा, सेफ जोन में ही रखेंगे। मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि वो जहाँ पे भाई बिल्डिंग वगैरह वो हुआ है डैमेज है, वहाँ पे सेफ जोन कड़ी मुश्किल होगी। बस घर की हालात की वजह से सबको जा रहे हैं भाई। फेक न्यूज फैलाने में हमारा देश दुनिया में नंबर एक पर है। मालदीव्स को हमने आंखें दिखा दी, पगला गया मालदीव्स, ये जो भी है वो है।
पर मालदीव्स एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जहां पर हमें बहुत फायदा हो सकता है। वहां पे चाइनीज शिप पहुंच चुके हैं, एक न्यूज चैनल रिपोर्ट ने किया है। इट्स गुड दैट बांग्लादेश इज आवर फ्रेंडली नेशन एंड स्टिल रिमेन, पर वहां भी इंडिया आउट उनकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू कर दिया है, ये बात कोई नहीं कर रहा। एंड जस्ट चेक आउट दिस वीडियो, इट वेंट वायरल एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, हाउ दे आर फाइटिंग। मेरे सामने, अरे चलो भाई, मेरी उम्र अभी 40 भी ना हुई और बुजुर्ग मुझे क्या दिया, शर्म नहीं आ रही? अरे लगते तो 60 के हो, बुजुर्ग लगते तो 60 के रहे हो। एंड दे आर कीप ऑन डिस्कसिंग दीस थिंग्स, दे आर टचिंग न्यू लुक, बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं तीनों की वजह से आई है ये गिरावट। एंड दिस फाइट वाज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड एवरीबॉडी वाज लाफिंग अगेन। इफ दे वांट टू फाइट प्लीज डू दैट। प्रभु राम को बीच से हटाओ यार, कहां क्यों कर रहे हो ये सब। एज ऑलवेज नाविका हैज टू टेक अ साइड, सो शी वाज डूइंग दिस। जी आप आज कौन सा प्रोटीन शेक पीकर आए हैं कि आप बोलने नहीं दे रहे? एक बट ऑन दिस पॉइंट आई एम रियली हैप्पी दैट नाविका इज टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, नॉट अबाउट कार्ब्स। फूक मार दूंगा, तुम्हारी शक्ल देखो चूसे आम जैसी। वो बोल रहे तुम डाई लगा के आए हो, तुम बच्चे हो, मैं 60 का नहीं हुआ हूँ, ये सब चलता रहा, लोग हंसते रहे। राहुल गांधी दोनों बता रहे, कम से कम अपना चेहरा तो देखो। कहां हमारे यूपी में चूसा हुआ आम कहलाता है? And this guy was having a good time. आप दोनों मैच्योर लोग हैं, kindly calm down. Personal remarks. Now why I'm showing you all this? Look at Smita Prakash ji. एक मिनट, थोड़ा सा गाड़ी को ब्रेक लगाएं, गाड़ी हिचको। Her tweet went viral and tried to understand the hypocrisy over here. Let me read the tweet first. भव्य मंदिर, can we build several more भव्य IITs and IIMs? That was the tweet of Smita Prakash. Yeah, I'm really surprised why people are not after her and her tweets. No, not at all. शंकराचार्य को एंटी हिंदू बना देते हैं लोग, पर इनको नहीं बना रहे कुछ। नहीं बस बढ़िया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वो 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 वो, देयर इज अ न्यू वीड इन द मार्केट। व्हिच वन? कॉल्ड कैमेलियन। जस्ट हैव वन पफ। वाओ। एंड यू विल गो इन 2010 एंड राइट समथिंग एल्स। ओ दीदी। आई मीन सीरियसली, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये तो अपने ही गोल मार दिया आपने। दीदी। और इनकी एक आदत है, जो भी इनको कुछ सोशल मीडिया बोलता है तो उसको बहुत गंदी गंदी कुछ बातें बोल देती है, उसको ब्लॉक कर देती है। अब ये ट्वीट इन्होंने ही किया है। So nation wants to know, क्या ये खुद को ही ब्लॉक कर देंगी? I mean seriously, what a change guys. Supposedly, just supposedly, if her nickname is Chinky, तो लोग क्या बोलेंगे? Chinky, तू बहुत चेंज हो गई लीले। Let me tell you one more time, I'm a राम भक्त, प्रभु श्री राम हमारे हृदय में बसते हैं। प्रभु राम के बड़े बड़े आदर्श हैं। उन्होंने कहा अपना कर्तव्य पूरा करो। क्या ये पत्रकार अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? पिछले 530 किलोमीटर दूर से ये राम प्यारी जो कुत्ता है, जो जानवर है, ये यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए, वी आर कॉलिंग देम गोदी मीडिया, दे आर सिटिंग ऑन अ लैप, दैट्स व्हाई ऑल दीज थिंग्स। पर अब ये गोदी मीडिया भी नहीं रहा है, ये कहीं और पहुंच गया है। एग्जैक्टली, चरणों में। यस, ये पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है दोस्तों। अगर वो सही से काम करेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश के लोगों का भला होगा, यही हमारी कोशिश होती है। वन मोर टाइम दैट ओल्ड सॉन्ग, यू गाइस लाइक्ड इट अ लॉट। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ तो करना।